जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। तो देखिए ये मैं सुबह हम गए थे आने के बाद ही थोड़ा फूल तोड़ी, फूल तोड़ने के बाद में थोड़ा बैठ कर चाय पियो, अच्छा लगता है। और इधर बालू था तो उसको झाड़ू लगा रही थी, वो आएगी काम करेगी, लेकिन वो बालू धना पैर में लगता है तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं झाड़ू लगा दी। और हस्बैंड जी भी आए हैं, आए थे तो वो भी चाय पी रहे थे। एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल लिली की ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली भी सब अच्छे हैं, चकाचक हैं। चलिए मैं किचन आ गई और चलिए बने रहे वीडियो पर, मैं क्या क्या करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए पहले दूध को बॉयल करते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ करना है तो। पतिदेव आते हैं ना, पतिदेव का काम ही ऐसा है, मुझे परेशान करें ना। मैं दिखाती हूँ कैसे परेशान करते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। हस्बैंड जो होते हैं ना, मेरा काम और इधर उधर ये काम वो काम, मतलब एक वीक का काम वो एक दिन में निपटाते हैं ना, इसी वजह से उनके पीछे पीछे लगना पड़ता है। ये तो वो तो ये मानते हैं। तो ये देखिए हाथ धो रहे थे, शायद हाथ धो रहे थे और मैं बर्तन रख रही थी और बिस्कुट खाऊंगा ऐसे बोल के बिस्कुट खाने के लिए गए थे। बिस्कुट खाए, बिस्कुट लेकर गए और क्या हुआ ना, बिस्कुट तो खाए, मैं सोची कि नहीं ये जल्दी नहा लेंगे तो खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। मैं बोली कि नहीं नाश्ता करने के लिए, बोले तो बोले कि नहीं अभी नाश्ता नहीं करूँगा, मैं बाद में नाश्ता करूँगा। तो मैं तो क्या होता है नाश्ता में, अभी तो तेल मसाला गर्मी के कारण का तेल मसाला नहीं होता है, चूरा दही केला ये सब होता है। और मैं तो पखल भात खाती हूँ भाई, किसी को अच्छा लगे ना लगे, कोई किसी को बुरा लगे ना लगे, वो तो मेरा कोई ये नहीं। मैं तो मुझे पखल भात खाना अच्छा लगता है, मैं पखल भात खाती हूँ। तो पखल भात खाने में बहुत ही मज़ा आता है भाई, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे पखल के लिए। वो जो आलू आलू के पाग, हमारी उड़िया में कहते हैं पाग, बना कर खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो क्या करते हैं ना, आलू को सिझा देंगे और बैंगन भिंडी परवल ये सब तेल डालकर थोड़ा सा कढ़ाई में ऐसे ही हम एक बैंगन को दो फल करके ऐसे ही हमारे जैसे कि खड़ा खड़ा ऐसे ही करेगा, छोटा छोटा पीस कटना करके ऐसे ही दो फल करके उसको तेल में सेक देंगे और उसको खाओ दबा के, जो हमारा आलू के साथ उसको एक पानी जैसा करके खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही सबको पसंद होता है। उसमें थोड़ा सा अचार डाल दो, प्याज लहसुन और हरा मिर्ची ये सब डाल दो। और ये सब्जी कटिंग कर रही थी बेटी बैठी है, उसके बाद पिछले वीक ना मेरा तबीयत खराब, तो ये साफ सफाई तो मेरा बाबा हमेशा लगा रहता है, साफ सफाई साफ सफाई। और ये साफ कर रही थी और भी कपड़ा है, और आज मुझे तो सफाई भी करना था, ये तो कल का वीडियो ब्लॉग था, आज मुझे सफाई करना था। तो इतना गर्मी लगा, इतना थकान हो रहा था, इसी वजह से नहीं करी। और ये आप लोग लास्ट में देखोगे तो पता चलेगा
क्यों हम थक गए थे, क्यों नहीं कर पाई वीडियो को ये वाला। तो एक दिन बाद ये वीडियो अपलोड होगा। तो ये साफ सफाई तो हो रहा था, ये देखिए तो ये सफाई कर रही थी अच्छी तरह, उनका प्लांट वगैरह सब सफाई करी। और सफाई करने के बाद ही और खाना भी बन रहा था, मैं बैठा दी थी खाना भी और सफाई भी कर रही थी। और सफाई करने के बाद ही और भी खाना बनाना था, सब्जी सब बनाना था। और गर्मी तो हमारे यहाँ तो भयंकर गर्मी हो रहा है, बारिश हो रहा है फिर भी भयंकर गर्मी हो रहा है, गर्मी की लहरी चल रहा है भाई। गर्मी को हम क्या एंजॉय करोगे, इतना पसीना निकलता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए कैसे घिस घिस के साफ कर रही हूँ, हस्बैंड के जो कपड़े वगैरह सब कुछ एकदम घिस घिस के साफ करना पड़ता है। और भी है, आज तो मुझे और भी थकान लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है लेकिन बहुत ही थकान लग रहा है काल। और आप लोग ना वीडियो को कंटिन्यू करोगे तो पता चलेगा क्यों हमको थकान लग रहा था। दरअसल हम एक मतलब इवनिंग में छोटा सा किया, मतलब बर्थडे पार्टी में हम गए थे। तो जो हम फ्रेंड्स जो लोग हम जाएंगे जाते थे, मतलब जो हमारा फ्रेंड हम जो मिलजुल कर जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी घूमना घूमने जाते हैं, तो उनका एक बेटी की बर्थडे था तो उसमें मैं गई। तो हम क्या करते ना, मिलजुल के ही कर देते हैं हेल्प, को एक दूसरे की हेल्प करके ही करते हैं, घर में हेल्प करते। हम मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही करते हैं मिलजुल के, मतलब जो भी कुछ सेलिब्रेट करते हैं ना मिलजुल के ही करते हैं। और इसी वजह से थोड़ा लेट में आई तो मुझे थकान हुआ तो मैं वीडियो को एडिटिंग नहीं कर पाई। और हस्बैंड जब रहते हैं तो और भी एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये ब्लॉग एक दिन बाद ही अपलोड होगा। ऐसा ही है, तो देखिए उनका पैंट, हस्बैंड जी का पैंट को तो साफ करती, साफ सफाई करती, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, भिगो दी थी और सर्फ डालकर भिगो दी, तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा मुझे साफ सफाई करने में। और हमारा तो और भी दिक्कत हो रहा है, देखिए इधर मेहनत कर रही थी, भाजी बना रही थी, भाजी के बाद ये पखाल भात बना रही, पखाल बनाने खाने के लिए साग बनाई थी। हमारे ओडिया के साग बनाने का स्टाइल एकदम से अलग होता है। आप लोग साग बनाते हो तो प्याज कुछ मतलब अलग स्टाइल का बनाते हो, थोड़ा सा पानी नहीं। हमारा होता है साग को लहसुन और हरी मिर्ची के साथ हम करते हैं, पंचफूरन डालकर, प्याज भी डालते हैं करते हैं, लेकिन उसको सूखा सूखा करते हैं, पानी जैसा हम नहीं करते हैं। तो हम ज़्यादातर की क्या करते हैं, साग को पखाल भात या भात के साथ ही हम खाते हैं, चावल के साथ ही खाते हैं। हमारे यहाँ तो भात ही कहते हैं, भात के साथ ही खाते हैं, चावल के साथ ही खाते हैं, रोटी के साथ नहीं खाते हैं। तो ये साग अभी तो जो बारिश हो रहा है तो बागान से ही हमारे बगीचे से ही मिल जाता है साग, कहीं कहीं खरीद के भी लाते हैं, लेकिन फ्रेश फ्रेश साग मिलता है तो उसको खाना तो अच्छा होता है ना। तो ये देखिए साग भी बना रही थी और लहसुन को सब कुछ कर रही थी, उसके बाद तो ब्लॉग नहीं बनाई और कैसे डांस कर रही थी। और बच्ची ना, जो छोटी सी बच्ची, हमारे जो अभी प्रचार चल रहा है इलेक्शन के लिए प्रचार चल रहा है, इसी वजह से गाना चल रहा था, तो मैं उस बच्ची के साथ डांस कर रही थी। मुझे डांस करते देखा, कैसे डांस कर रही, देखिए कैसे हिल रही है। उसके साथ ही मेरा होता है वो ना, वो मेरे जैसे वो भी भंगड़ा जैसे करते हैं, अंगूठी के ऊपर निकल कर उसी टाइप का, वो भी भंगड़ा जैसे करती है हमेशा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्यों हमेशा वो
करके ही वो डांस करती है ना, मैं करती ना इसी वजह से वो करती है। तो देखिए कैसे डांस करते हैं मेरे बड़ा कॉमेडी बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ छोटा बनना अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है भाई, बहुत ही मज़ा आता है। हमारा तो जो करेंट जो अपडाउन होता है बाइक, इतना अपडाउन होता है इधर करेंट क्या बोले, और हमको तो और भी दुख झेलना पड़ता है जो हमारा कूलर मतलब हमारा क्या इन्वर्टर हमको परेशान करता है, पता नहीं कि इन्वर्टर हमारा ख़राब हुआ है इसी वजह से थोड़ा दिक्कत। गर्मी में सड़ गई ना, बर्थडे थी तो इसीलिए हम गए थे, तो बोली कि चलो मैं भी थोड़ा हेल्प कर रही थी, तो ऐसे होते होते ही थोड़ा लेट हो गया। और मजा करते हैं, एंजॉय कीजिए हमारे वीडियो को, चलिए दियो रे तारे फोटो, दूटा फोटो उठे दियो कि बैक साइड रो नांडी मुंडी ना, 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 ना,